आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है एक कार्बनिक यौगिक का 0.25 ग्राम NTP पर 31 ml नाइट्रोजन गैस देता है। ड्यूमा विधि द्वारा प्रतिशत नाइट्रोजन ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ड्यूमा विधि क्या होती है। तो ड्यूमा विधि में हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक, इस कार्बनिक यौगिक में जितने भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ठीक है ना, इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तथा इस नाइट्रोजन गैस के आधार पर हम यहां से इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के भार को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक है जिसका भार कितना है, 0.25 ग्राम, ठीक है ना। इससे इसमें उपस्थित नाइट्रोजन को जब नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित किया गया तो नाइट्रोजन का आयतन हमें एनटीपी पर कितना प्राप्त हुआ, 31 ml। कहां पर, एनटीपी पर, ठीक है। तो यदि इस नाइट्रोजन का भार ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें, नाइट्रोजन के मोल, ठीक है ना। किसी भी गैस का यदि एसटीपी और एनटीपी पर आयतन दिया गया हो, ठीक है ना, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन ml में दिया गया हो, तो हम उसे 22400 ml से भाग देके उसके मोल ज्ञात कर सकते हैं। 31 ml बटा 22400, तो ये हो गए इतने मोल नाइट्रोजन के हो गए। यदि नाइट्रोजन के मोल से इसका भार ज्ञात करना हो, नाइट्रोजन का भार, तो नाइट्रोजन का भार कितना होगा, भार हम ज्ञात कर सकते हैं दिए गए मोलों को हम अणुभार से गुणा करके, ठीक है। तो मोल कितने हैं, 31 बटा 22400, और अणुभार कितना होता है नाइट्रोजन का, 28 ग्राम। अर्थात ये हमें प्राप्त होगा, 31 बटा 22400 गुणा 28 ग्राम, ये हमें प्राप्त होता है 0.03875 ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम नाइट्रोजन, अर्थात ये नाइट्रोजन कहां पे उपस्थित है, इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है। यदि यहां से इस नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करें तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, नाइट्रोजन का भार बटे यौगिक का कुल भार और गुणा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का भार कितना प्राप्त हुआ, 0.03875 बटा कुल भार यौगिक का कितना दिया हुआ है, 0.25 गुणा 100। यदि इसको हल किया जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रतिशत जो हमें प्राप्त होता है वो होता है लगभग 15.5%। अतः अपन कह सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में लगभग 15.5% नाइट्रोजन उपस्थित है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।